ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फड़फड़ा रहा इस साला कमीने कुत्ते। दे जितनी गाली दे दी है ठाकुर, जी भर के गाली दे। हरामजादे चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। हे सांबा, उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको, ऐसा ताप मुझको। अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटवा दबा देता, मगर करता क्या। चार चार पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। याद है? याद है? कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर? अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। बंदो साले को। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। फंदा खुल गया, खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर।
उसके बाद कुछ देखा तुमने? नहीं साहब, गोली चलते ही हमने सब खिड़की की वार बंद कर लिए। ठीक है, यहाँ पर अंगूठा लगा दो। जी साहब। इधर आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, यहाँ जो हुआ मुझे इन लोगों से पता चल गया, आपसे एक और बात करनी। पुलिस को गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा, वो एक न एक दिन आपको मिल जाएगा इंस्पेक्टर साहब। कुछ बता सकते हैं आप गब्बर सिंह के बारे में? जी नहीं। ठीक है, मुझे बस इतना ही पूछना था। शुक्रिया ठाकुर साहब। नमस्ते। ठाकुर साहब, ये रुपए हमें नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने कहा था तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो। लेकिन पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे। गब्बर सिंह को मार के तुम गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहां गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा। वादा करो तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। हम वादा करते हैं ठाकुर साहब, लेकिन ये रुपए आप वापस ले लीजिए। ठाकुर, गिरजा लोहार पिपरी गांव से कुछ खबर लेकर आया है। शायद गब्बर से तुम्हारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। जयराम जी की ठाकुर। जयराम जी की। कहो गिरिजा, क्या खबर लाया? ठाकुर, पिपरी गांव से दो कोस पे बंजारे आके रुके हैं, हीरा और उसके साथी भी हैं। ये हीरा गब्बर को बंदूकें और गोलियां बेचने आता है, एक दो दिन में गब्बर उसे जरूर मिलेगा। लोहा गरम है। क्या हुआ इन्हें? घबराने की कोई बात नहीं, गोली बाजू रगड़ कर निकल गई है और जख्मी मामूली है। ठाकुर साहब, गोला बारू तो हमने आधे से ज्यादा खत्म कर दिया, लेकिन गब्बर बच कर निकल गया। कोई बात नहीं यार, फिर कभी सही। दवा समझ कर दो घूंट मार ले, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर तू पीना छोड़ दे तो तेरी बहुत सी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप राम राम। इमाम साहब सलाम, ये खत है आपका, लीजिए। जबलपुर से ही आया होगा। अरे गुलजारी लाल, जरा पढ़ भी देते। जी पढ़े देते। अरे मेरा चश्मा इसी जेब में तो था। इधर है, वो जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, ये लीजिए। आ गई बक्कन। वो हुआ ऐसा
कि हम उधर से आ रहे थे और आप इधर से जा रहे थे, इधर आप साइकिल पर थे और हम उधर पैदल, आप तो साइकिल पर निकल गए और वहीं के वहीं हमको ये चश्मा मिला और वहीं के वहीं हमने सोचा ये कि ये चश्मा आपका है। देखने वाली बात ये कि ये चश्मा तो आप ही का निकला, यूं कि अच्छा अच्छा अब जरा मुंह को आराम दे तो मैं ये खत सुन लूं, तेरी मिसाल बाद में सुनेंगे। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया। हाँ गुलजारी लाल जनाब, भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बात सलाम, आपको खबर मिले कि यहाँ सब खैरियत है और सब आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते। दीगर अहवाल ये है कि अहमद मियाँ की नौकरी पक्की करा दी गई, तनख्वाह 200 रुपए हो गई, रहने खाने पीने के लिए तो गरीब खाना मौजूद है। अच्छा है, मामू की निगरानी में रहेगा। हाँ अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। इस मामले में देर करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए थोड़े को बहुत और खत को तार समझें, अहमद मियाँ को जल्द अज जल्द रवाना कर दें। बाकी खैरियत है, घर में सब सलाम कहते हैं। फकत आपका मुकैतुल्ला जी। आने दो अहमद को, अब नहीं सुनूंगा उसकी। ये तो आपने ठीक बात की, लेकिन आने क्या दे, वो तो आया हुआ है। देखो अब्बा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। यूँ कि ये तो वही मिसाल हो गई। अरे भाई अजीब बेवकूफ है ये लड़का। ए मियाँ, मैं तो अब कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी, कब तक मेरे दामन से बंधे बैठे रहोगे? और फिर ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती है भाई। बच्चू इमाम साहब बात ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े से बड़े शहर जैसे मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ, वहाँ भी लोग नौकरी के लिए मंदिर तक। अरे मंदिर क्यों, क्या हुआ? वो हुआ ऐसा कि हम निकले थे घर से मंदिर जाने और देखा तो इनका चश्मा मिल गया। इनके चश्मे को पाते ही हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब हमें याद आ चुका है। ए वीरू, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल तुम्हारी धन्नो क्या टांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने की रीत बिल्कुल नहीं है। हमारी धनु इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिवजी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। Damn.